बच्चों, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हाइड्रोजन की जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, हैलोजन और एल्कली मेटल्स से जो उसकी सिमिलरिटीज होती हैं, समानताएं होती हैं, उनको डिस्कस किया। हाइड्रोजन लैब में कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाते हैं, और इसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। इसी के बाद हाइड्रोजन चैप्टर में चार चीज़ों के बारे में और हैं। H2O वाटर, D2O हैवी वाटर, H2O वाटर है और D2O हैवी वाटर है, और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये तीन चीज़ों के बारे में इसमें और पढ़ना है जो हाइड्रोजन चैप्टर है। नंबर एक वाटर H2O, नंबर टू हैवी वाटर D2O, और नंबर थर्ड है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ये तीन कंपाउंड्स इसमें और पढ़ने हैं। H2O के बारे में तो सामान्य जानकारी है, लेकिन कुछ और हम लोग चीज पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में डिटेल से, वाटर के बारे में। लेकिन दो चीज़ें विशेष हैं इसमें, हैवी वाटर D2O और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। D2O क्या है? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप था जो हम लोगों ने पढ़ा था। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन था? ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप, तीन है, कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटीरियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हैवी वाटर बनाता है, H2O इसको कहते हैं। डी यहाँ ड्यूटीरियम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीन कंपाउंड पढ़ने, वाटर, हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O। आज हम लोग यहाँ पर हैवी, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के बारे में पढ़ेंगे। हैवी हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, पहले H2O2 पढ़ेंगे, फिर हैवी वाटर पढ़ेंगे, वाटर को लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, और इसका यूज़ किस में करते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टर्न पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है क्या? H2O2। और इसकी डिस्कवरी किसने की? J.L. थ्रीनॉड ने 1818 में इसको डिस्कवर किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। H2O2 कैसा होता है? ठीक, सिर्फ़ी लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा और लिक्विड होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, बहुत गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, पेल ब्लू, पीला नीला रंग होता है इसका, कलर कैसा होता है? इन कलर, पेल ब्लू इन कलर, इसका पेल ब्लू कलर होता है। टेस्ट बिटर, तीखा स्वाद होता है। मोर विस्कस, बहुत गाढ़ा होता है, पानी तो बहुत पतला होता है, लेकिन H2O2 जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये बहुत ही गाढ़ा होता है, चाशनी की तरह, बहुत जैसे चीनी की चाशनी होती है उस तरह ये बहुत गाढ़ा होता है, मोर विस्कस। इसकी डेंसिटी या घनत्व कितना होता है? 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 272.4 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 358 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और किस प्रेशर पर? 868 मिलीमीटर Hg पर।
एक निश्चित दाब पर इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं। अगर दाब बदलेगा तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो एक निश्चित दाब पर प्रेशर पर 68 मिलीमीटर एचजी पर ये होता है, अगर ये बदलेगा तो वो भी बदल जाएगा। कंप्लीटली मिसबिल विद, ये पूर्ण रूप से मिल जाता है, कंप्लीटली मिसबिल विद एल्कोहल ईथर वाटर, एल्कोहल ईथर वाटर में ये पूर्ण रूप से मिल जाता है, विलीन हो जाता है, अगर मिल जाता है। डाइपोल मोमेंट द्वि ध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट इसका कितना होता है, 2.1 d होता है डाइपोल मोमेंट। इसका यूज किसमें करते हैं, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं और इसका यूज किसमें करते हैं। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट मीन्स रंग उड़ाने वाला, कोई रंगीन चीज को इसमें संपर्क में लाएंगे तो उसका कलर गायब हो जाता है, तो ब्लीचिंग एजेंट है ये, कौन, हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट। जैसे पल्प लकड़ी का गूदा होता है, लकड़ी का जिससे पेपर वेपर बनते हैं, पल्प एम्ब्रॉयडरी लेदर टेक्सटाइल हेयर, लेदर चमड़ा वगैरह, हेयर बाल लेदर चमड़ा, इन सब का अगर रंग उड़ाना हो, रंग उड़ाने के लिए इनका रंग एकदम साफ करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। सिंथेसिस इन ऑर्गेनिक केमिकल्स, बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी सहायक होता है। दूसरे पदार्थों से हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है, जैसे कि सोडियम पर बोरेट इसका निर्माण होता है, और पेन कार्बोनेट डिटर्जेंट, इन सब का निर्माण हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं, जैसे प्रोपलीन और पॉलीविद्रेन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स मीन्स क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों के निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन, दवाइयों के निर्माण में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से टार्टरिक एसिड, सिफेलोस्पोरिन्स, इनका निर्माण हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड को एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, जैसे वॉन्ड्स टीथ ईयर, कोई घाव शरीर में कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे दांतों को भी साफ करते हैं, कान में गंदगी हो जाती है तो उसको भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से साफ किया जाता है। इसके अलावा ऑयल पेंटिंग, जैसे ऑयल पेंटिंग होता है, पेंट होता है, जो वो खराब ना हो उसको सुरक्षित और सही बनाए रखने के लिए उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला दिया जाता है, तो वो सुरक्षित और संरक्षित बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं आती। इसके अलावा इसमें मिलिट्री टू
टॉर्पेडो, सबमरीन, रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट, इसमें जो रॉकेट फ्यूल जो ईंधन होता है उसमें ये ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और सामान्य तौर पर आपने इसको हॉस्पिटल वगैरह में घावों को साफ करने के लिए शायद देखा हो कभी, ये तो किया जाता है। और बहुत से इससे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं और दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, मेडिसिन्स भी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ा कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, जे एल थ्रीनॉड ने 1818 में। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी और इसका टेस्ट, इसका कलर, इसकी विस्कोसिटी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसका यूज़ किस में करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड को किस तरीके से बनाया जाता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या 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 होती है। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।